हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द जॉब अपडेट में। आज से एसआई के फॉर्म ऑनलाइन होने लगे हैं, तो आपके पास क्या एजुकेशन होना चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में एसआई के फॉर्म का पूरी जानकारी देते हैं कि इसमें आपको क्या चाहिए है, कब तक ऑनलाइन है, कितनी फ़ीस है, क्या सिलेबस है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताता हूँ। इस वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस सहायक उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक, तो आपकी जो ईएसआई कॉन्फिडेंशियल एंड क्लर्क एंड अकाउंटेड में सीधी भर्ती आपकी निकली थी। इसका एडवर्टाइजमेंट मार्च 2021 में आया था, बट इसके ऑनलाइन आज से स्टार्ट है। 1 जून से इसका ऑनलाइन डेट स्टार्ट है, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें वैकेंसी देखते हैं कि वैकेंसी कितनी है। तो आप ASI कॉन्फिडेंशियल की बात करें तो आपकी इस टाइम 327 वैकेंसी है, एंड जो पहले आपकी 295 वैकेंसी थी, अब वैकेंसी को थोड़ा इंक्रीज कर दिया गया है। एंड आपकी अगर बात की जाए लिपिक पद की, क्लर्क की, तो आपकी पहले 624 वैकेंसी थी, बट इस टाइम आपकी 644 वैकेंसी है। एंड आपकी बात की जाए अकाउंटेड की, तो पहले आपकी 358 वैकेंसी थी और अभी भी 358 वैकेंसी है, कोई वैकेंसी इंक्रीज नहीं हुई है, और टोटल आपकी 1300 के ऊपर वैकेंसियां हैं। तो आप फॉर्म को अपने जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, जो भी आपका एजुअल है, उस हिसाब से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें आपके कैटेगरी वाइज भी वैकेंसियाँ दी गई हैं, तो आप उसको देख लें। एंड आप के पास क्या होना चाहिए तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अगर बात की जाए कि फॉर्म कब से, देखिए पहले मई से स्टार्ट होना था, बट कोविड की वजह से स्टार्ट नहीं हो पाया, तो अब इसकी जो डेट है वो 1 जून 2021 से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और इसकी लास्ट डेट आपकी 15 जुलाई 2021 है। तो आप फॉर्म को सही से फिलअप कर सकते हैं, 15 जुलाई तक काफ़ी टाइम दिया गया है, तो आप फॉर्म को अच्छे से भरें, कोई गलती। और अगर शुल्क की बात की जाए तो आपकी 400 रुपीज़ है सभी कैटेगरी के लिए। और इसमें अगर बात की जाए कि इजविल क्या है, तो आपके पास इजविल के लिए आपके पास जो कॉन्फिडेंशियल फॉर ASI के लिए, तो आपके पास स्नातक होना चाहिए एंड कम से कम इसमें आपकी टाइपिंग भी मांगी गई है, 25 शब्द आपके हिंदी में एंड 30 शब्द आपके अंग्रेजी में, और न्यूनतम 80 वर्ड पर मिनट की गति से हिंदी आंसू लिपि, जो आपकी ASI कॉन्फिडेंशियल के लिए मांगी गई है। एंड अगर बात की जाए ASI क्लर्क के लिए, तो उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और इसमें भी आपकी जो टाइपिंग मांगी गई है वो 25 वर्ड पर मिनट हिंदी एंड 30 इंग्लिश की। एंड अगर बात की जाए ASI अकाउंटेड, तो उसमें आपके पास 15 वर्ड पर मिनट हिंदी एंड इंग्लिश की नहीं मांगी गई इसमें, और आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। और आपके पास तीसरी चीज़ ये मांगी गई है कि आपके पास नाइलेट का ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या सरकार के द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी आपका एक कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, जो 1 वर्ष का हो और ओ लेवल के समकक्ष हो। और अगर आप नाइलेट के बारे में और जानना चाहते हैं कि नाइलेट का क्या क्या होना चाहिए, देखिए ओ लेवल नहीं है आपके पास, तो आपके पास क्या होना चाहिए जो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो डोएक नाइलेट सोसाइटी से उच्च प्रमाणीकरण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि या उससे उच्च अर्हता आपके पास है, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।
एंड अगर एज की बात की जाए तो एज इसमें मांगी गई है कि आपकी 21 ईयर आपने पूर्ण कर लिए हो, मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष है और मैक्सिमम आपकी 28 है, ठीक है। और आपकी जो छूट दी जाती है किसी भी कैटेगरी में वो इस तरीके से दी जाएगी, तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसमें आपकी आयु कितनी हो रही है उसको देख लीजिए, उसी हिसाब से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एंड इसमें आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में मैं बता दूं कि आपका जो पेपर होगा 400 अंकों का ऑनलाइन पेपर होगा, 400 अंकों का CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। एंड इसमें अगर बात की जाए सामान्य हिंदी एंड कंप्यूटर ज्ञान, मतलब आपका हिंदी एंड कंप्यूटर 100 मार्क्स का आएगा। इसी प्रकार आपकी GS और सामायिक विषयक वो भी 100 का आएगा, सांख्यात्मक एवं मानसिक युक्ता वो भी 100 का आएगा, एंड मानसिक अभिरुचि तार्किक परीक्षा वो भी 100 की, मतलब आपका टोटल 400 मार्क्स का पेपर होगा। इसी प्रकार आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एंड इसके अभी एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आई है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। एंड इसमें जो फिजिकल मांगा गया है उसमें देखिए जो आपकी हाइट मांगी गई है वो 163 फॉर जनरल OBC एंड ST कैटेगरी, एंड ST कैटेगरी के लिए आपकी 156 सेंटी मांगी गई है, तो आप उस हिसाब से भर सकते हैं। एंड चेस्ट की बात की जाए तो 77 मांगा गया है आपका न्यूनतम, एंड 82 मांगा गया आपका मैक्सिमम, और ST कैटेगरी 75 सेंटीमीटर, एंड फुलाने पर आपका 80 सेंटी से कम नहीं होना चाहिए। एंड अगर फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो उनके लिए जो आपकी हाइट मांगी गई है वो 150 मांगी गई है, एंड जो आपका वेट मांगा गया है वो 40 kg मांगा गया है, तो आप लोग देख लीजिए। फॉर्म को भरने से पहले आप अपना नोटिफिकेशन देख लें अच्छे से, इस प्रकार फॉर्म को फिलअप करें। और जो आपकी वेबसाइट है वो HTTP, इस वेबसाइट पे आप जाकर अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एंड इसमें अगर बात की जाए और किसी चीज़ की तो और कुछ नहीं मांगा है, सिर्फ आपके पास BA मतलब ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट या ओ लेवल के हिसाब से, ओ लेवल नहीं है तो और DCA या कुछ और चीज़ है तो आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एंड अगर कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा कि अगर मेरे पास कोई आपके काम की चीज़ होगी जो आपको नहीं समझ में आई वो मैं बता सकता हूँ। जैसे कि देखिए इसमें आपको ग्रेजुएशन एंड NILET का ओ लेवल का प्रमाण पत्र, एंड अगर बात की जाए आपके पास अगर DOEC कंप्यूटर एप्लीकेशन स्नातक उपाधि या कोई और चीज़ है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा पूरा दिया गया है नोटिफिकेशन, 31 पेज का नोटिफिकेशन है, तो आप देख लीजिए। मैं इस नोटिफिकेशन को अपना जो टेलीग्राम चैनल है द जॉब अपडेट उसमें डाल दूंगा, उससे आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद फॉर्म को फिलअप कर दें। कोई भी दिक्कत है मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।